हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य कोचिंग क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे? विभक्ति के नियम। और विभक्ति को हम क्या बोलते हैं? और वाचकता के नियम। पहला है दो से विभक्ति के नियम। पहला नियम क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। क्या आना चाहिए इकाई का? 0, 2, 4, 6, 8। क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। में से कोई अंक, कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 अंक में से एक अंक आ जाए तो उसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, बताओ? जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। समझ में आ गया? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8। क्या 0, 2, 4, 6, 8 उस ये आ जाए तो उसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। पहली संख्या है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये कितने हैं? 97,532। कितने हैं? अब इसमें ये देखना इकाई का अंक कौन सा है? 2। बताओ 2 इसमें है क्या? हाँ। तो इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। वेरी गुड। अगली संख्या देखो, इसमें ये कितने हैं संख्या? 4,834। 4,834। इसमें इकाई का अंक कौन सा है? 4। क्या है? 4। कौन सा है? 4। इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। अगली संख्या देखो, कितने हैं ये? 9,480। तो इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। अब मुझे बताओ 231 में 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इकाई की संख्या 1 आ रही है। इकाई की संख्या नहीं, इकाई का अंक क्या है इसमें? 1। बताओ इसमें 1 है क्या? नहीं। याद हो गया आपको 2 का रूल्स? बताओ 2 का भाग कब जाएगा? जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8। क्या 0, 2, 4, 6, 8 तो आ जाए तो उसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। और इनके अलावा आ जाए तो क्या जाएगा? 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। कौन कौन से है? 1, 3, 5, 7, 9। कौन कौन से है? 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9। समझ में आ गया? पहला रूल्स आ गया। दूसरा, 3 से विभक्ति के नियम देखो। यदि दी गई संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब इसके अंदर क्या देखना है, यानी अंकों का योग करना है। क्या करना है? अंकों का योग। यदि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाएगा तो वह 3 से पूरी पूरी क्या होगी? विभाजित। हाँ, पहली संख्या कितनी है पढ़ के बताओ, कितनी है? 7,684। देखो ऐसे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 75,684। अब इसके अंदर क्या नियम था इसका? अंकों का योग करना है। अंक कौन कौन से? पहले 7 + 5 + 6 + 8 + 4। बताओ 7 × 5 कितने होते हैं? 12। और 12 × 6 कितने होते हैं? 18। और 18 × 8 कितने होते हैं? 18 × 8 = 26। और 26 × 4 कितने होते हैं? 30। और 30। अब देखो इसके अंकों का योग कितना आ रहा है? 30। और 30 में किसका भाग देंगे? 3 का। कितनी बार जा रहा है? 10 बार। पूरा पूरा भाग जा रहा है ना? हाँ। तो बताओ ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी? होगी। वेरी गुड। अगली संख्या देखो, कितने हैं ये? 56,231। इसमें अंक कौन कौन से है? 5 + 6 + 2 + 3 + 1। अब इनका 5 × 6 कितने होते हैं? 12। और 11 × 2 कितने होते हैं? 13। 13 × 3 कितने होते हैं? 16। 16 × 1 कितने होते हैं? 17। वेरी गुड। बताओ 17 में 3 का भाग जाएगा क्या? नहीं। पूरा पूरा जाना चाहिए, वैसे तो भाग तो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन पूरा जाना चाहिए। तो कितना आ रहा है ये? 5.6 आगे चलता रहेगा। तो ये बताओ 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। समझ में आ गया? हाँ सर।
दो का और तीन का आ गया नौ सर। बताओ ये तीन से विभाजित होगी या नहीं होगी, जल्दी से, आपके पास में केवल एक मिनट का टाइम है। सर नहीं जाएगी। कैसे, अंकों का योग कितना है इसमें? चार आठ बारह, बारह तीन पंद्रह, चार उन्नीस, उन्नीस में तीन का भाग जाता है या नहीं जाता है? तो बताओ तीन से विभाजित है या नहीं है? नहीं है। और दो से विभाजित है या नहीं है? क्यों, कैसे? इकाई का अंक चार आ रहा है तो इसे दो से तो विभाजित होगी लेकिन तीन से नहीं होगी। आगे समझ में? वेरी गुड। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा।